अनूपपुर में सीएम शिवराज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने प्रचार प्रसार में प्रदेश के सीएम को नंगा भूखा कहते हैं, जो प्रदेशवासियों का अपमान कर रहे हैं। कमलनाथ ने 15 महीने में प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया, लेकिन अब अनूपपुर के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बीजेपी सरकार ने जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, कांग्रेस ने सभी को बंद कर दिया, लेकिन अब वह सारी योजनाएं शुरू कर दी गई हैं, जिससे प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शिवराज ने कहा कि बीजेपी के शासन में मेडिकल, इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा की फीस भी भरी जाएगी। कमलनाथ ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। इसके साथ ही सीएम ने बिसाहू लाल के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील की। अरबपति होने का तुम उद्योगपति हो गए, मैं ये याद दिलाता हूँ, मध्यप्रदेश की जनता कुछ भी सहन कर ले, ये घमंड और अहंकार को चूर चूर करके रख लेती है। और एक नेता दिल्ली में बड़े जोश से, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, बोले वो कमीना है, कमीना। ये कांग्रेस ही मुझे इसके स्वयं दे रहे, मैं कमीना हूँ ये वो मुझे कह रहे, ये उनके संस्कार और स्वभाव है। एक नेता कांग्रेस के चलते नंगे भूखे बैठा है। हाँ, मैं इसी मध्यप्रदेश की धरती का हूँ, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं कच्चे घर में जन्मा हूँ, मैं पिछड़ों में पैदा हुआ हूँ, मेरा घर किसी और जिले के जैत में, मेरा नरा भाई गड़ा हुआ है। कमलनाथ, तुम्हारा मेरा कहाँ गड़ा, ये तो बता दो, तुम कहाँ के हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहनों, चौथी बार जो मुख्यमंत्री है उसको नालायक कहा जा रहा है, उसको कमीना कहा जा रहा है, उसको रंगे भूखे घर का कहा जा रहा है। कमलनाथ जी, तुम्हें घमंड होगा अरबपति होने का।